जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो के साथ तो आज आपके सामने इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक 2024 की न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस आई थ्री एस ओ बी सपोर्ट के साथ प्राइस की बात करें तो इस बाइक की एक शोरूम कीमत है छिहत्तर हजार तीन सौ सोलह रुपीज और ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है इक्यानवे हजार नौ सौ छियासी रुपीज इस बाइक में कंपनी ने क्या क्या फीचर्स अपडेट किए माइलेज कितना देती है टॉप स्पीड कितने तक जाती है स्पेसिफिकेशन क्या है ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जी टी, -टी टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके साइड पैनल से तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लेंडर प्लस की आपको 3D में बैजिंग देखने को मिल जाती है नीचे आपको i3s का स्टिकर वर्क दिया गया है इसके साथ साथ टूल बॉक्स में यहाँ पे आपको पावर स्टार्ट प्रोग्रामिंग एफ की स्टिकर वर्क मिल जाती है फोर स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है इंजन में यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग दी गई है राइडर के यहाँ पे आप एडजस्टेबल फुट पैक देख सकते हो और साइड स्टैंड कटअप जैसे फीचर्स मिल जाते हैं सेंटर स्टैंड यहाँ पर आप देख सकते हो और क्रोम के फिनिश के साथ कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको इसका क्रैश गार्ड दिया गया है इसके साथ साथ दोस्तों मेटल की यहाँ पर आपको चैन सेट की कवरिंग देखने को मिल जाती है पिलियन का यहाँ पर आप फुटपैक देख सकते हो

और यहाँ पे आप देख सकते हो हीरो के कस्टमर केयर का यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है बाकी दोस्तों आगे की ओर चले यहाँ पे आप देख सकते हो अपर डीपर का स्विच दिया गया टर्न इंडिकेटर नीचे में आपको हॉर्न की स्विच देखने को मिल जाती है इस बाइक में आपको वारंट देखने को नहीं मिलता है मीडियम सॉफ्ट टाइप का यहाँ पे आपको इसका क्लच मिलता है और दूसरी ओर यहाँ पे आप देख सकते हो आई थ्री का आपको स्विच दिया गया नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट की स्विच देखने को मिल जाती है और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है इमरजेंसी में आप अपने फ़ोन को आसानी से यहाँ से चार्ज कर सकते हो फुल्ली एनालॉग टाइप के यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिल जाता है जिसके लेफ्ट साइड में, में। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीडोमीटर दिया गया इकनॉमी जोन के साथ में ओडोमीटर यहाँ पे आप देख सकते हो साइड स्टैंड की आपको वार्निंग मिल जाती है आई की यहाँ पर आप लाइट देख सकते हो दूसरी और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूल फ्यूलगॉज आपको देखने को मिल जाता है गेर न्यूट्रल की वार्निंग मिल जाती है चेक इंजन की लाइट और यहाँ पे आपको मेन हेडलाइट की वार्निंग लाइट देखने को मिल जाती है की पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो और दोनों और आपको टर्न इंडिकेटर की वार्निंग लाइट देखने को मिल जाती है बाकी अगर इसके आगे की ओर चले तो यहाँ पे आप इसका फ्रंट वाला वाइजर देख सकते हो ग्लॉसी रेड कलर का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो हीरो स्प्लेंडर प्लस की आपको स्टीर वर्क दी गई है और साइड में यहाँ भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह के आपको ग्राफिक्स दिए गए थोड़े फ्लैक्सीबल यहाँ पे आपको बल्ब के टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं नंबर प्लेट लगाने की यहाँ पे आप जगह देख सकते हो और दोस्तों इसके फ्रंट में यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन दिए गए फ्रंट वाला मोटर गाड़ी यहाँ पर आप देख सकते हो और इसके फ्रंट में यहाँ पे आपको अस्सी सौ अठारह का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है अट्ठारह इंचेस का यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का एलआई दिया गया और इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाती है मतलब कि इसके आगे और पीछे दोनों ब्रेक एक साथ काम करती है टायर की पैटर्न को यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कुछ इस तरह का दिया गया बाकी दोस्तों यहाँ से आप इस बाइक का पूरा लेफ्ट साइड का व्यू देख सकते हो विथ आपको सात सौ mm बीस एम का दिया गया लेंथ आपको दो हजार mm एम के मिल जाते हैं और हाइट आपको दस सौ बावन एम का मिलता है और एक सौ बारह के जी कर वेट के साथ ये बाइक आती है सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल सीट के साथ ये बाइक आती है सात सौ पचासी एम का आपको हाइट दिया गया और यहाँ पे आप इसका ग्रैब हैंडल देख सकते हो जो कि क्रोम के फिनिश के साथ आपको देखने को मिलता है बाकी अगर इसके पीछे की ओर चले तो यहाँ पे आप इसका बैक लाइट देख सकते हो बल्ब के आपको मिल जाते हैं यहाँ पे आपको हीरो की स्टिकर वर्क देखने को मिल जाती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की जगह देख सकते हो नीचे में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है इसके साथ साथ बल्ब वाले आपको थोड़े से फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं लेडी प्लेन सेफ्टी के लिए यहाँ पे आप ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड देख सकते हो और दोस्तों इसके रेयर में आपको मिलता है फाइव स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जोर्वर टाइप के सस्पेंशन जिसे कि आप अपने वेट और डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इसके साथ साथ इसके रेयर में भी यहाँ पे आप देख सकते हो अस्सी सौ अठारह का ट्यूबलेस टायर दिया गया अठारह इंचस के सिल्वर कलर के एलवाई के साथ दूसरी ओर चले तो दोस्तों इस साइड से भी यहाँ पे आप सीट कॉल पे देख सकते हो ड्यूबल टोन कलर के यहाँ पे आपको ग्राफिक्स दिए गए हैं और एक जॉस्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल का आपको मोफरट गार्ड मिल जाता है क्रोम के फिनिश के साथ 130 सौ तीस एम की आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है और पिलियन का यहाँ पे आप एडजस्टेबल फुट पैक देख सकते हो इसके साथ साथ इस साइड से भी यहाँ पे आपको साइड पैनल पे स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग मिल जाती आई थ्री की स्टिकर वर्क देख सकते हो और कुछ इस तरह के आपको ग्राफिक्स दिए गए की क्लीवर यहाँ पे आप देख सकते हो राइडर का यहाँ पे आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट दिया गया इसके साथ साथ यहाँ पे आप इसका ब्रेक पैड देख सकते हो कैटलिटी कन्वर्टर आपको देखने को मिल जाता है इंजन पे आपको हीरो की ब्रांडिंग दी गई है इंजन वेल कैप यहाँ पे आप देख सकते हो स्पार्क प्लग यहाँ पे आपको दिया गया ऑक्सीजन सेंसर आप इसका देख सकते हो इंजन और पावर की बात करें तो इस बाइक में मिलता है आपको संतानवे दशमलव दो सी सी का एयरकूल फोर स्ट्रोक टू बॉल सिंगल सिलेंडर बी एस सिक्स फेज टू एफ आई इंजन ये इंजन मैक्सिमम पावर जनरेट करता आठ दशमलव जीरो दो पी एस का आठ हज़ार आर पी एम पे और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता आठ दशमलव जीरो पाँच एन एम का छः हज़ार आर पी एम पे फोर स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है और टूल बॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हो पावर स्टार्ट प्रोग्रामिंग एफ की आपको बैजिंग दी गई है यहाँ पे आप इसका लॉकर भी देख सकते हो और की का सेटअप यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बाकी दोस्तों आगे की ओर चलें तो यहाँ पर आप इसका साइड व्यू मीटर देख सकते हो कुछ इस तरह का दिया गया है माइलेज की बात करें तो ये बाइक आसानी से आपको साठ से पैंसठ के एम की, की माइलेज निकाल करके दे देगी और टॉप स्पीड आपको तिरानवे किलोमीटर पर आवर के आसपास का मिलता है हेडलैम सेटअप यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोज़न हेडलैम सेटअप मिल जाते हैं लो बीम और हाई बीम के साथ जिसके अंदर में एक छोटा सा आपको पाइलेट लैंप भी दिया गया है नंबर प्लेट लगाने की यहाँ पे आप जगह देख सकते हो तो चलिए फाइनली अब बात करें इसकी प्राइसिंग की तो अभी जो इसकी एक शोरूम कीमत निकल के आ रही है छिहत्तर हजार तीन सौ सोलह रुपीज और इसकी ऑन रोड कीमत पड़ने वाली इक्यानवे हज़ार नौ सौ छियासी रुपीज़ ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको दी है राधा हड़ी ऑटोमोबाइल दरभंगा रोड बखड़ी मुजफ्फरपुर स्थित शोरूम में यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो हीरो के किसी बाइक या स्कूटी का टेस्ट ड्राइव ले सकते हो दोस्तों अगर आप भी अपनी सिटी के ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी का नाम लिख करके भेज सकते हो तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आई हो हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जी टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जय हिंद जय जाह भारत